हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस कोर्स वाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, और आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। तो 1905 से पहले रशिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी, हमें उसके बारे में बताना है। द फॉलोइंग वर द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। सोशल कंडीशन, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं सोसाइटी के बारे में, सोशल कंडीशंस के बारे में। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो सर, जो रशिया में जो रिलीजन फॉलो किया जाता था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। पर सर, जो ये एम्पायर था ना, रशियन एम्पायर, ये किन किन को कंसिस्ट करता था? ये कंसिस्ट करता था कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट रिलीजन्स को। द नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर नॉट ट्रीटेड इक्वल ऑफ दैट रशियन नेशनलिस्ट। तो सर, जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे ना, उन्हें रशियन नेशनलिस्ट के इक्वल नहीं समझा जाता था। दे वर नॉट गिवन द फ्रीडम ऑफ टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। उन्हें किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं थी अपने रिलीजन, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को फॉलो करने के लिए। साथ ही साथ वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग। और साथ साथ जो वर्कर्स है वो भी डिवाइडेड हो रखे थे, किसके अकॉर्डिंग? सर, उनके स्किल और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। पीजेंस फॉर्म देयर ग्रुप कॉल दी कम्यून और मिर। और सर, जो पीजेंस ने जो अपना ग्रुप फॉर्म किया था उसका नाम था सर कम्यून, या फिर जिसे हम कह देते थे मिर। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ, 1905 से पहले की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। द मेजोरिटी ऑफ रशियन वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो सर, जो एग्रीकल्चर में रहने वाले लोग थे, जो रशिया में रहने वाले लोग थे, वो क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे। ग्रेन वॉज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया। तो सर, जो ग्रेन था वो क्या था? मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था रशिया से। इंडस्ट्रीज वर फ्यू, और इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उनका नाम था सर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को। मच ऑफ द प्रोडक्शन वॉज डन बाय द क्राफ्टमैन। तो सर, जो लगभग जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा था? सर, वो क्राफ्टमैन कर रहे थे। देयर वर लार्ज फैक्ट्रीज अलोंग साइड द क्राफ्ट वर्कशॉप। तो सर, कई सारी लार्ज फैक्ट्रीज थी वर्कशॉप्स के पास में। विद द एक्सपेंशन ऑफ द रशियन रेल नेटवर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज ग्रो। जैसे ही रशियन रेल नेटवर्क डेवलप होता है तो सर, रशिया में धीरे धीरे फॉरन जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरन जो फैक्ट्रीज है, वो भी ग्रो होने लग जाती है। देयर वर ह्यूज कोल, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। और रशिया के अंदर कई भारी मात्रा में कोल, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन किया जाता था। देयर वर इक्वल मेंबर्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन। तो सर, कई सारे लोग जो है फैक्ट्री वर्कर्स थे, कई सारे क्राफ्टमैन थे। द वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय कैपिटलिस्ट हु मेड देयर लाइफ मिजरेबल। अब सर, जो कैपिटलिस्ट जो थे ना, उन्होंने वर्कर्स की लाइफ को मिजरेबल बना दिया था, बहुत ही उनकी कंडीशन खराब कर दी थी। कैपिटलिस्ट कैपिटल को इन्वेस्ट करता था और साथ ही साथ जितना भी प्रॉफिट होता था उन्हें वो खुद ही शेयर किया करता था। पर ऐसे में सर, जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि सर, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो अक्यूमुलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा था? कैपिटलिस्ट के पास हो रहा था। वो अपने आप से ही उसे शेयर कर रहा था, वो नीचे अपने जितने भी वर्कर्स है उनसे उस प्रॉफिट को शेयर नहीं किया करता था। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस की। अब सर, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी 1905 से पहले की, हम उसकी बात कर रहे हैं। रशिया वॉज अ मोनार्की। तो सर, रशिया में क्या थी? मोनार्की थी। और सर, रशिया के अंदर जार का शासन चला करता था, और जार कौन थे? जार निकोलस सेकंड थे। रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर दैट एक्सटेंडेड टू करंट डे फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। इन कंट्रीज तक जो है रशियन एम्पायर स्प्रेड हो रखा था, फैल रखा था। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्रेस टू द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो सर, हम ये समझ सकते हैं कि लगभग पैसिफिक और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, वो भी किसके अंडर में आते थे? रशियन एम्पायर के अंडर में आते थे। एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी के सभी रशियन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। द ज़ार्स बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। तो सर, जो ज़ार्स है ना, वो बिलीव करते थे डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। तो सर, कि जो ज़ार के पास, जो राजा के पास जो पावर है, जो किंग के पास जो पावर है ना, वो उनका डिवाइन राइट है, और उससे वो कोई भी नहीं छीन सकता। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। और साथ ही साथ वो पार्लियामेंट के लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। और सभी की सभी ऑल पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो कैसी थी? इलीगल थी रशिया के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन व्हाट वेज वॉज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917। तो 1917 से पहले रशिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो बाकी कंट्रीज के कंपेयर में अलग कैसे थी? तो सर, हम देखते हैं कि सर, वर्किंग
वर्किंग पॉपुलेशन इन यूरोपियन कंट्रीज वर अ मोर यूनाइटेड लॉट देन दूज इन रशिया। तो सर जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना यूरोप की, यूरोपियन कंट्रीज की, वो बहुत ही ज्यादा यूनाइट हुआ करती थी, पर जब हम बात करते हैं रशिया की तो रशिया में ऐसा नहीं था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म्ड एसोसिएशन एंड फॉट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो अदर कंट्रीज, जैसे कि हम बात करते हैं इंग्लैंड और जर्मनी की, तो सर यहाँ के जो वर्कर्स होते थे ना वो एसोसिएशन को फॉर्म किया करते थे और एसोसिएशन फॉर्म करके वो अपनी मांगों के लिए लड़ा करते थे, अपने डिमांड्स के लिए लड़ा करते थे, ताकि सर वो अपनी लिविंग को बेहतर बना सके और साथ ही साथ जो अपने वर्किंग कंडीशन है उसको भी बेटर कर सके। फंड्स वर सेट अप बाय दिस एसोसिएशन टू हेल्प वर्कर्स इन द डिस्ट्रेस। और साथ ही साथ ऐसे एसोसिएशन बनाए गए थे जो एसोसिएशन क्या करते थे, डिस्ट्रेस के टाइम में अपने वर्कर्स को, अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते थे। द वर्कर्स इन यूरोपियन कंट्रीज वर यूनाइटेड इन देयर डिमांड फॉर अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। तो सर जो यूरोपियन कंट्रीज के जो वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी वो यूनाइट हो रखी थी और साथ ही साथ वो डिमांड करती थी सर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स की, सर वर्किंग आवर्स जो है वो कम किए जाए और साथ ही साथ उन्हें राइट टू वोट भी दिया जाए, ताकि सर उनका ओवरऑल पॉलिटिक्स में भी क्या हो सके, एक रोल हो सके। वर्कर्स एसोसिएशन ऑल्सो सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अल्टीमेटली फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्फ। तो सर जो वर्कर्स एसोसिएशन होती थी ना वो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने से उन्हें खुद भी क्या मिलती थी, पावर मिलती थी। और ऐसा भी देखा गया कि सर कई सारी जो वर्कर्स एसोसिएशन है वो आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज ही बन जाती थी। द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस आर एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म बाय सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। तो सर ये देखा गया कि सर जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन की और साथ ही साथ जो फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी है वो कैसे फॉर्म हुई है, वो सर फॉर्म हुई है सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट के कारण। फिर हम आगे देखते हैं, इन टोटल कॉन्ट्रास्ट टू द वर्किंग पॉपुलेशन इन यूरोप द रशियन वर्कर्स वर नॉट यूनाइटेड, वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो सर जो वर्कर्स थे, जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो सर वर्कर्स इतने ज्यादा डिवाइड नहीं थे जितने ज्यादा वर्कर्स रशिया में डिवाइड थे। सर वर्कर्स जो थे ना वो किसके बेसिस पे डिवाइड हो रखे थे, वो अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी डिवाइड हो रखे थे। वर्कर्स वुज जॉब्स नीडेड स्किल्स एंड ट्रेनिंग कंसीडर देमसेल्फ एज अ हायर पेन देन द अनट्रेंड वर्कर्स। तो सर जिस वर्कर के पास स्किल होती थी, जिस वर्कर के पास अच्छी ट्रेनिंग होती थी, वो खुद को कहीं गुना ऊपर एक बहुत अर्धे दर्जे का वो समझा करता था एज कंपेयर टू अनट्रेंड वर्कर्स। तो सर ऐसे में वो क्या किया करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। फिर हम देखते हैं, वर्कर्स हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू द विलेजेस दे केम फ्रॉम एंड दिस आल्सो कॉज्ड द सोशल डिवाइड अमंग वर्कर्स। तो सर कई सारे ऐसे वर्कर्स होते थे जिनके है ना कई सारे सोशल लिंक्स होते थे अपने विलेजेस से, पर सर कई सारे ऐसे वर्कर्स भी हुआ करते थे जो परमानेंटली सेटल हो चुके थे टाउन्स में, तो ऐसे में सर उनके किसी भी तरीके के जो लिंक्स है वो विलेजेस में नहीं हुआ करते थे। वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली इन रशिया आल्सो। सर वर्कर्स जो एसोसिएशन थी वो भी अब धीरे धीरे रशिया के अंदर बढ़ने लग गई थी, एज इन यूरोप, जैसा कि यूरोप में भी देखा गया था। दे डिमांडेड रिड्यूस वर्किंग आवर्स। और सर जो डिमांड है वो वही सेम थी कि सर जो वर्किंग आवर्स है उसको कम किया जाए, हायर वेजेस किया जाए, वर्किंग कंडीशन को बेटर किया जाए, और साथ ही साथ द वर्कर्स वर सप्रेस बाय द गवर्नमेंट। पर सर जो गवर्नमेंट है वो इन वर्कर्स को क्या कर रही थी, सप्रेस कर रही थी। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ज़ारिस्ट जो ऑटोक्रेसी थी, जो ज़ार की जो ऑटोक्रेसी चल रही थी ना, वो रशिया के अंदर कोलैप्स कर जाती है, खत्म हो जाती है। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स इन रशिया वर हाई ओनिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, कई सारे है ना एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स जो है रशियन पॉपुलेशन में आ जाते हैं। फादर ज़ारिन अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। और इसी के साथ साथ जो ज़रीना थी, ज़रीना कौन थी, अलेक्जेंड्रा। अब जो अलेक्जेंड्रा थी ना उसका ओरिजिन था जर्मन, तो सर लोगों के बीच में पहले ही एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स है, और इसी के साथ साथ जो अलेक्जेंड्रा है वो भी जर्मन ओरिजिन से बिलोंग करती थी, और साथ ही साथ जो उसके पुअर एडवाइजर्स थे, जिसका नाम हमने देखा था सर एक रस्पुती नाम हमने देखा था, सर जो रस्पुती ने एक जो मॉन्ग था उसने क्या करा था कि सर धीरे धीरे जो ऑटोक्रेसी थी उसको अनपॉपुलर बना दिया था। फिर हम देखते हैं, रशिया सफर्ड शॉकिंग डिफीट्स ऑन द वाटर लोन विद द मिलियंस ऑफ द कैजुअलिटीज। तो सर ऐसा देखा जाता है वाटर फ्रंट के ऊपर रशिया को एक है ना शॉकिंग डिफीट का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ कई मिलियंस कैजुअलिटीज रशिया की आर्मी में देखी जाती है। क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द रशियन आर्मी टू प्रिवेंट एनिमी हैविंग एनी एडवांटेज। और साथ ही साथ जो पीछे हटती हुई आर्मी थी वो क्या करती है, क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि सर जो रशियन आर्मी है उनके जो इवल्स है, जो उनके जो एनिमीज है ना, वो वहां पे उस लैंड पे सेटल ना हो सके। फिर हम देखते हैं, इट लेड टू मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज। अब क्या होता है, जैसे ही क्रॉप्स और जो बिल्डिंग्स है डिस्ट्रॉय होती है, तो कई सारे जो लोग है वो बेघर हो जाते हैं, रेफ्यूजी बन जाते हैं रशिया के अंदर।
जार वॉज बिंग कर्ज फॉर दिस सिचुएशन, और जार को इस सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराया जाता है। फूड शॉर्टेज लेड टू पीपल्स राइटिंग फॉर फूड। अब धीरे धीरे फूड शॉर्टेज भी रशिया में शुरू हो जाती है, जिसके कारण रायट शुरू हो जाते हैं। द रशियन आर्मी टू शिफ्टेड इट्स लॉयल्टी एंड बिगन सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरी। और जो रशियन आर्मी होती है वो भी अब जार से अपना जो रिश्ता है, नाता है, जो अपनी लॉयल्टी है वो अब वो छोड़ देती है और वो सपोर्ट करने लग जाती है रेवोल्यूशनरीज को। ऐसे में अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ नेवा रिवर एंड सिंपथी विद द वर्कर्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन 22 फरवरी। तो सर देखा जाता है कि सर जो फैक्ट्री वर्कर्स है ना वो लॉकआउट शुरू कर देते हैं। लॉकआउट के कारण धीरे धीरे वहां की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और 22 फरवरी एक ऐसी डेट होती है जब वो सभी वर्कर्स जो है लॉकआउट पे आ जाते हैं। लॉकआउट के कारण सर वुमन लेड द वे ऑफ स्ट्राइक। सर जो वुमन जो होती है वो स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करने शुरू कर देती है। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू, और सर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कर्फ्यू को इम्पोज कर देती है। लेटर द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा विच रिजल्टेड इन शार्प प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होती है कुछ समय बाद ही ड्यूमा को भी सस्पेंड कर देती है, जिसके कारण अब एक शार्प प्रोटेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए खड़ा हो जाता है। द डेमोन्स्ट्रेटर रैनसेक द पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड रेस स्लोगन्स अबाउट बैड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। तो सर जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं ना वो पुलिस हेडक्वार्टर को रैनसेक कर देते हैं और वो कई सारे स्लोगन शुरू कर देते हैं, और ये जो स्लोगन होते हैं वो किसके बारे में होते हैं, सर हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए, वेजेस चाहिए, बेटर आवर्स ऑफ वर्किंग चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। द गवर्नमेंट कॉल द कैवलरी बट दे रिफ्यूज ऑन फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। सर जो गवर्नमेंट है वो कैवलरी को कॉल करती है, उसे बुलाती है, पर सर जो कैवलरी होती है वो डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर फायर करने से मना कर देती है। सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द बिल्डिंग वेयर द ड्यूमा मेट। तो सर जहां पे ड्यूमा मिला करती थी उस बिल्डिंग के अंदर ही सोवियत और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे ना वो एक साथ मिलते हैं और सोवियत और काउंसिल वहां पे फॉर्म कर देते हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन अ डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार, द मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज द ज़ार टू एब्डिकेट। तो सर नेक्स्ट डे क्या किया जाता है, एक डेलीगेशन भेजा जाता है ज़ार के पास। तो ऐसे में जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो ज़ार को एडवाइस करते हैं कि अब आपको एब्डिकेट कर देना चाहिए, और जो ज़ार है वो यही करता है। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और जो सोवियत लीडर्स होते हैं, जो ड्यूमा लीडर्स होते हैं, वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं ताकि सर जो ओवरऑल कंट्री है उसका जो सिस्टम है उसको रन किया जा सके। द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी दस कॉलेज इन फेब्रुअरी 1970, और इसी के कारण देखा जाता है कि जो ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी है वो 1917 के अंदर, फेब्रुअरी 1917 के अंदर कॉलेप्स कर जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू लिस्ट वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड द अदर विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्वड इन ईच, हु वर द लीडर्स एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑन सोवियत हिस्ट्री। तो अब हम देखने जा रहे हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और साथ ही साथ हम देखने जा रहे हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो चलो देखते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में। तो सर जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है वो 22 फरवरी से शुरू हुआ था, फैक्ट्री लॉकआउट ऑन दी राइट बैंक। तो सर राइट बैंक में फैक्ट्री लॉकआउट शुरू हो जाता है। 23 फरवरी सिंपथी स्ट्राइक बाय वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज। तो सर सिंपथी स्ट्राइक जो है ऑर्गेनाइज की जाती है 50 फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा। 24th एंड 25th स्ट्राइकर्स स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन। तो सर 24th और 25th को स्ट्राइकर्स जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। पुलिस जो है उसको बुलाया जाता है ताकि वो वर्कर्स को कंट्रोल कर सके। पर सर 25 फरवरी को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। अब सर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर रैनसेक बाय द वर्कर्स। जो 27 फरवरी होती है उस दिन पुलिस हेडक्वार्टर को रैनसेक कर दिया जाता है। रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर्स स्ट्राइकिंग वर्कर्स फ्रॉम द पेट्रोगार्ड सोवियत। अब ऐसे में जो रेजिमेंट है, जो कैवलरी भेजी जाती है, वो वर्कर्स को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और सर जो पेट्रोगार्ड सोवियत है उसको वहां पे फॉर्म किया जाता है। 22 मार्च द ज़ार एब्डिकेट्स सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और 2 मार्च द ज़ार एब्डिकेट्स सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और 2 मार्च के दिन क्या होता है, ज़ार को एब्डिकेट कर दिया जाता है, ज़ार एब्डिकेट कर जाता है, और साथ ही साथ सोवियत और जो ड्यूमा लीडर्स है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म कर देते हैं। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं कि सर आखिर इससे क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आर्मी ऑफिसर लैंड ओनर्स एंड नेशनलिस्ट बिकम इन्फ्लुएंशियल। अब सर जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, जिन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स वर रिमूव्ड। और सर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए
बताई गई थी पब्लिक मीटिंग्स पे वो हटा दी जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर्स, और साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियंस है वो धीरे धीरे नंबर्स में ग्रो करने लग जाती है, मतलब कई सारी जो ट्रेड यूनियंस है वो फॉर्म हो जाती है। अक्टूबर रेवोल्यूशन 16 अक्टूबर व्लादिमीर लेनिन, तो हमने ये देखा था कि सर जो फरवरी रेवोल्यूशन है ना वो किसने किया था, सर वो आर्मी ऑफिशियल्स ने किया था, सोवियत ने किया था, पर सर जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो किसने लीड किया था, वो किया था व्लादिमीर लेनिन ने। दी बोल्शेविक लीडर परसुएडेड दी पेट्रोग्राद सोवियत एंड दी बोल्शेविक पार्टी टू एग्री अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। तो जो व्लादिमीर लेनिन होते हैं, जो बोल्शेविक लीडर थे, वो क्या करते हैं, परसुएड करते हैं पेट्रोग्राद सोवियत को, बोल्शेविक पार्टी को, कि सर वो एग्री करे कि सर हमें क्या बनाना है, एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर हमें बनाना है। अ मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय दी सोवियत, और एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती है कि सर हम किस दिन रेवोल्यूशन को शुरू करें, ताकि हम क्या ला सके, ताकि हम एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर को बना सके और एक सोशलिज्म का एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर हम शुरू कर सके। अब 24 की बात होती है, द अपराइजिंग अगेंस्ट दी प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिंस, तो सर 24 को प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के खिलाफ में अपराइजिंग शुरू होती है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी सीज गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स। अब ऐसे में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी होती है वो गवर्नमेंट को सीज कर देती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर देती है, और साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के उन्हें भी अरेस्ट करना शुरू कर देती है। द विंटर पैलेस वॉज सेल्ड, और जो विंटर पैलेस होता है उसको सेल्ड किया जाता है, अरोरा नाम से एक है ना शिप होता है वो उसे सेल करता है। मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट सरेंडर्ड, जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के वो क्या करना शुरू करते हैं, वो सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। द बोल्शेविक्स गेन कंट्रोल, तो ऐसे में बोल्शेविक्स के पास कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका ओवरऑल इस रशिया पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स फॉर नेशनलाइज, तो सर जब ये पावर में आते हैं तो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज और बैंक को क्या कर देते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं। जैसे कि हमने अप्रैल सीसीएस की डिमांड्स के बारे में देखा था, तो सर अप्रैल सीसीएस की डिमांड यही तो थी कि सर जो इंडस्ट्रीज है, जो बैंक है, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, नेशनलाइज कर दिया जाएगा, वॉर को खत्म कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ थर्ड डिमांड क्या थी कि सर जो लैंड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, तो रशिया जो है वो एक वन पार्टी स्टेट बन जाता है जहां पे एक ही पार्टी रूल करती है, द सिंगल पार्टी बीइंग दी बोल्शेविक पार्टी, और उस पार्टी का नाम होता है बोल्शेविक पार्टी। फिर हम देखते हैं ड्यूरिंग द फरवरी रेवोल्यूशन द फैक्ट्री वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट रेजिमेंट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, तो सर जब हम बात करते हैं फरवरी रेवोल्यूशन की, ये तो था अक्टूबर रेवोल्यूशन, अब हम बात कर लेते हैं फरवरी रेवोल्यूशन की, तो सर फरवरी रेवोल्यूशन में ये देखा जाता है कि सर कई सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो है, कई सारे जो गवर्नमेंट रेजिडेंट्स जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फरवरी रेवोल्यूशन के अंदर। जो वर्कर्स होते हैं, जो रेजिमेंट्स होते हैं, वो साथ आते हैं, और साथ आके क्या करते हैं, वो लोग ज़ार निकोलस को हटा देते हैं, एबडिकेट कर देते हैं। द मेजर इंपैक्ट ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन वॉज द डाउनफॉल ऑफ द रशियन मोनार्की एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेट्रोग्राद सोवियत, तो सर जो फरवरी रेवोल्यूशन है उसका जो मेन इंपैक्ट था वो यही था कि सर जो रशियन मोनार्की है वो तो खत्म हो जाती है, और इसी के साथ साथ पेट्रोग्राद जो सोवियत है वो फॉर्म हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। व्लादिमीर लेनिन द बोल्शेविक लीडर प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो सर जो व्लादिमीर लेनिन होते हैं वो अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिज बोल्शेविक पार्टी ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड गेन पावर, और सर जो बोल्शेविक पार्टी होती है वो क्या करती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है, और साथ ही साथ वो पावर में आ जाती है। द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और एक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। फिर हम देख व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो सर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी द्वारा कौन कौन से चेंजेस लाए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मेनी चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो बोल्शेविक पार्टी होती है वो कई सारे चेंजेस लेके आती है। दे वर इंडस्ट्रियलाइज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, तो सर जो इंडस्ट्रीज होती है, जो बैंक्स होती है, उनको नेशनलाइज किया जाता है। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट नाउ हैड देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो इसका मतलब यही होता है कि सर अब बैंक्स का, अब इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है, जो ओनरशिप है, वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, और सर जो लैंड है उसको सोशल प्रॉपर्टी बता दिया जाता है, और पीजेंट्स को अलाउ किया जाता है कि सर वो जो नोबल्स है उनकी प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, तो सर जो बोल्शेविक्स होते हैं वो सिटीज में लोगों को एनफोर्स करते हैं कि सर वो क्या कर सकते हैं, हाउसेस को पार्टीशन कर सकते हैं उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द यूज ऑफ द ऑल टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी वॉज बैन, तो सर एरिस्टोक्रेसी के टाइम में जो टाइटल्स यूज किए जाते थे उन सभी को बैन कर दिया जाता है। न्यू यूनिफॉर्म्स फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर वर डिजाइन, तो इसी के साथ साथ न्यू यूनिफॉर्म्स को डिजाइन किया जाता है आर्मी के लिए, ऑफिसर्स के लिए, ताकि बताया जा सके सर ओवरऑल सिस्टम में अब चेंज आ
चुका है। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज़ द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और जो बोल्शेविक पार्टी होती है उसका नाम अब बदल के रख दिया जाता है द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम देखते हैं डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइंस, उनकी जो पॉलिटिकल अलाइंस होती है वो अपोजिशन करती है, उसके बावजूद भी बोल्शेविक जो पार्टी होती है वो पीस ट्रीटी साइन करती है जर्मनी के साथ और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसे वो विड्रॉ कर लेती है। फिर हम देखते हैं इन द ईयर लेटर्स The Bolshevik became the only party to participate in the election to all the Russian Congress of Soviet. It became the Parliament of Russia. तो अब सर all Russian Congress of Soviet है उसकी इकलौती पार्टी बन जाती है, कौन सी? Bolshevik. तो सर Bolshevik पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन जाती है जो all Russian Congress of Soviet की तरफ से क्या करने वाली थी, इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाली थी। और सर ये जो Russian all Russian Congress of Soviet है यही बाद में जाके पार्लियामेंट ऑफ रशिया भी बन जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट a few lines to show the, what you know about Kulakas, the Duma, women workers between 1900 and 1930, the liberals, Stalin and collectivization. अब हम देखते हैं Kulakas क्या होते हैं। They were the well-to-do peasants who were supposed to be holding stock in the hope of higher prices. तो सर Kulakas कौन होते हैं? कि सर Kulakas वे लोग होते हैं जिन्हों से सपोज किया गया है कि सर इन्होंने है ना स्टॉक को होल्ड करके रखा है ताकि सर हायर प्राइसेस में उसे सेल किया जा सके। फिर हम देख They were raided so that they may be eliminated in order to develop modern farms and establish state-controlled larger farms. So, sir, जो यह कुलाकाज होते हैं इनको रेड किया जाता है ताकि सर उनको eliminate किया जा सके, इनकी लैंड को लिया जा सके और एक मॉडर्न फार्म वहां पे बनाया जा सके। फिर हम बात करते हैं ड्यूमा, ड्यूमा क्या है? The Duma was a consultative parliament that was created on the permission of the Tsar during the 1905 revolution. So, sir, 1905 का जो revolution होता है उसके कारण एक consultative parliament को form किया जाता है का नाम क्या होता है, ड्यूमा होता है। तो सर हमने 1917 भी तो पढ़ा है, तो सर जो 1917 है उसके बाद तो वहां पे मेजर रेवोल्यूशन आता है, पर सर 1905 के अंदर भी एक रेवोल्यूशन आता है जब उस समय क्या बनाया जाता है, जब एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट वहां पे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं वुमन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930s की। तो सर वुमन वर्कर्स की बात हो रही है सर 1900 से 1930s के बीच में। वुमन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बट वर पेड बिटवीन 1/2 एंड 3/4 ऑफ अ मेंस वेजेस। तो सर जो वर्कर्स है, वर्कर्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग 31% जो वर्कर्स थे ना उस समय वो कौन थी, वुमन थी, पर सर उनका जो वेजेस था वो मेंस के कंपेयर में हाफ था या फिर वो 3/4 थी मेंस के कंपेयर में वेजेस लिया करते थे। दे एक्टिवली लेड द स्ट्राइक्स इन मेनी फैक्ट्रीज, दे इवन वर्कड ऑन कलेक्टिव फार्म्स। तो सर जो महिलाएं थी, जो वुमन थी ना, वो एक्टिवली स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी फैक्ट्रीज में और साथ ही साथ जो कलेक्टिव फार्म्स है उसमें भी वो काम कर रही थी। अब हम देखते हैं द लिबरल्स। तो सर ये लिबरल्स क्या होते हैं? दे वर अ ग्रुप विच looked a change society. तो सर ये ग्रुप होता है जो सोसाइटी में चेंज चाहता है। They wanted a nation which tolerated all religion and opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. तो सर लिबरल्स क्या चाहते हैं कि सर जो नेशन है वो टोलरेट करे सभी रिलीजन को और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि सर जो डायनेस्टिक रूल्स है वो खत्म हो जाए और सारे के सारे डायनेस्टिक रूलर्स है उनकी जो पावर्स है उनको उनसे छीन लिया जाए। They argued for a representatives. वो आर्ग्यू करते हैं कि सर हमारे पास क्या होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो सर जो जुडिशरी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए रूलर्स एंड ऑफिशियल्स से। फिर हम देखते हैं स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो सर जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टालिन होप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेजेस बाय कंबाइनिंग स्मॉल फार्म्स विद द लार्ज मॉडर्न फार्म्स। तो सर जो स्टालिन था उसने क्या किया था, जो स्मॉल फार्म्स थे ना उनको लार्ज फार्म्स में क्या कर दिया था, कलेक्ट कर दिया था, उन्हें कलेक्टिवाइज कर दिया था ताकि सर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा फार्म्स को मॉडर्नाइज कर सके। फिर हम देखते हैं दिस वाज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स दैट बिगन इन 1929। तो सर ये जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम है वो 1929 के अंदर शुरू किया गया था। पीजेंस वर फोर्स टू वर्क इन दिस स्टेट कंट्रोल कलेक्टिव फार्म्स कॉल्ड कोलखोज। तो सर ये जो पीजेंस हुआ करते थे ना उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था कि सर वो किस में काम करें, इन कलेक्टिव फार्म्स में काम करें और सर इन कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहा जाता था, कोलखोज कहा जाता था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।